बांग्लादेश और श्रीलंका ट्राई सीरीज का एक ऐसा मैच खेल रहे थे जो किसी सेमीफाइनल से कम नहीं था। बांग्लादेश ने इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को 2 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इस मैच के आखिरी ओवर में बांग्लादेश को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी। इसी ओवर में बांग्लादेश और श्रीलंका के प्लेयर्स आपस में भिड़ गए। दरअसल ये लड़ाई एक बाउंसर को लेकर हुई। आखिरी ओवर की पहली गेंद बल्लेबाज ने खेली जो एक बाउंसर था, अगली गेंद भी बाउंसर थी और इस पर रन लेने के चक्कर में रहमान आउट हो गए। लेकिन इस बाउंसर से बांग्लादेशी क्रिकेटर निराश दिखे। उन्हें लगा कि ये गेंद वाइड होनी चाहिए थी, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड नहीं दिया। इसी बात को लेकर मैदान में हल्ला मच गया और श्रीलंका और बांग्लादेश के प्लेयर्स आपस में झगड़ने लगे। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बांग्लादेश के बल्लेबाज सकीबुल हसन ने अपने बल्लेबाजों को मैच बीच में छोड़कर बाहर आने को बोल दिया। हालांकि कोच खालिद महमूद ने बल्लेबाजों को वापस भेजा और बल्लेबाज महमूदुल्लाह ने ओवर की 3री गेंद पर चौका और 5वीं गेंद पर छक्का जड़कर अपनी टीम को जीत दिला दी और इसी छक्के के साथ बांग्लादेश खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। क्रिकेट के ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।